नगर पालिका परिषद मसूरी के अध्यक्ष अनुज गुप्ता की अध्यक्षता में नगर पालिका सभागार में बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें मुख्य रूप से मसूरी में सफाई व्यवस्था के लिए इटली से 1,50,00,000 रुपए की लागत से स्वैप मशीन लाने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिससे मसूरी में स्वच्छता को एक नई दिशा मिल सके। वहीं माल रोड पर बोलार्ड लगाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया, ताकि माल रोड में अनावश्यक रूप से वाहनों की आवाजाही ना हो सके। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि मसूरी में रुके हुए विकास कार्यों को गति मिले, इसके लिए कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए हैं। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। देखिए, आज काफ़ी समय बाद बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, क्योंकि आचार संहिता की वजह से बोर्ड बैठक नहीं हो पा रही थी, और इसमें मुख्य तौर पे जो निर्णय लिया गया है वो एक आधुनिक सफाई मशीन हम लोग पालिका परचेज़ करेगी, जिसकी माल रोड और आसपास के क्षेत्रों में जिससे सफाई होगी और मसूरी साफ़ सुथरी उसमें काफ़ी नज़र आएगी। इसके साथ साथ माल रोड पे 9 बोलार्ड्स लगाने का पालिका सदन ने निर्णय लिया है, क्योंकि अननेसेसरी मूवमेंट बहुत सारा माल रोड पे है और काफ़ी दिक्कतें टूरिस्ट और पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को पैदल चलने में होती है, तो इसके लिए हमने निर्णय लिया है कि वहाँ पे बोलार्ड लगाए जाएं, ताकि जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको रोकथाम करा जाए। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे बिल्स थे, जो झूलाघर पे आधुनिक जो ट्रॉली का स्टेशन है उसको बनाने का यहाँ पे प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा जितनी भी विकास योजनाएँ थी उनको यहाँ पे काफ़ी जो लंबी चल रही थी उनको यहाँ पे पास किया गया। देखिए, शिफन कोड एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, इस मुद्दे पे शासन द्वारा मांग की गई कि हमारे नाम पे ट्रांसफ़र इसे किया जाए, लेकिन कुछ सभासदों की उसमें आपत्ति है, वो वार्ता करना चाहते हैं शासन से, तो हमने यह निर्णय लिया है कि इसे अगली बोर्ड में दोबारा से लाया जाए और इस पर अगली बोर्ड में निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय 15वें वित्त आयोग के में पैसा आया था, जो कि हमें सफाई की व्यवस्था को हाईटेक करने के लिए उसको यूज़ करना था, और पालिका बोर्ड ने निर्णय लिया है कि एक स्वीपिंग मशीन इसमें खरीदी जाए, जिसकी लागत लगभग 1.5 करोड़ रुपये, और जेम पोर्टल के माध्यम से ये मशीन हमने खरीदी है, और निश्चित तौर पे क्योंकि इम्पोर्टेड मशीन है और शिमला और मसूरी में, शिमला के पास अब ये प्रेजेंट में मशीन है, 2 मशीन शिमला यूज़ कर रहा है और 1 मशीन हम लोग अब इसे यूज़ करेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश विदेश से पर्यटक शहर में आते हैं और जितनी धूल माल रोड पर उड़ती है, इससे धूल जो उड़ती है उससे निजात इस मशीन से चलने से हमें मिलेगा। तार पेयजल निगम से वार्ता की जा रही है, उनको सख्ताई की जा रही है, उनको डांट भी लगाई जा रही है कि 31 मार्च तक आप ये कार्य पूर्ण करें, और अगर 31 मार्च तक जो कार्य ये पूर्ण नहीं करते कारपेट निगम, तो इनके खिलाफ सख्ती से आंदोलन किया जाएगा।